गुरु के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। हे गुरु भव भव में हम तेरे ही शिष्य रहे, मोक्ष महल की चाबी आपने पुष्प दंत सागर जिसे पाए, उस मार्ग पर चल पड़े हो हे गुरु अरे गुरु राई। भव भव में हे गुरुवर हम आपके ही शिष्य रहे। ओम नमो परम पूज्य आचार्य तत्वर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सर जी मान साक्षात विराजमान है, आपके युगल चरण कमले भी हो निर्मल प्राप्त है। हरे ओम निर्वाणि दे स्वाहा। पूज्य भगवान आचार्य श्री के चरणों में हम सभी का नमस्तु 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 जी गुरुदेव। ओम एक भजतारे वाले रणवीर भाई ओ भैया इधर खड़े हो, ये देखिए पत्रिका है, आपको भी दिख रही होगी है ना भीड़ में, लेकिन अभी मतलब तक चलेगी तो दिख जाएगी है ना। चलिए एक इधर ले लो इधर ले लो, चलिए गाँव में कितना दे कोई भी अच्छा बैठ कुछ। कि हमारे यहाँ मंदिर के 11 वर्ष में प्रथम बार, आचार्य श्री के आगमन में भी प्रथम बार, एवं हमारे तपस्या नागदा समाज के मुंबई प्रवास के अमृत महोत्सव में पहली बार हम विशाल रूप से इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना 8 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक तेलुगु मनोरार वाली नागपाड़ा जंक्शन यानी मुंबई सेंटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर भव्य रूप से करने जा रहे हैं। हम आप सभी को निवेदन करते हैं हमारे ट्रस्ट की ओर से, दशा नागदा समाज मुंबई की ओर से आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप इस भव्य कार्यक्रम में सभी आपका अपना कार्यक्रम समझकर पधारें। 8 तारीख को तारवे मॉर्निंग ग्रैंड रोड स्टेशन से सवेरे 7 बजे आचार्य श्री संघ का भव्य अगवानी दशा नागदा समाज एवं मुंबई समस्त मुंबई समाज की ओर से कमाटीपुरा मंदिर जी और कमाटीपुरा मंदिर जी से कार्यक्रम स्थल तेलुगु वाली में होगा। 8 जनवरी रविवार 2023 प्रातः 7 बजे उसी दिन वाली में पात्रों का चयन होगा, सभी जो भी विधान के पात्र हैं उनका चयन होगा। और 11 तारीख से 15 तारीख तक भव्य रथ यात्रा शोभा यात्रा जिसमें चांदी की रथ भी रहेंगे, इंद्रों की बग्घिया भी रहेगी, आचार्य श्री का संघ का सानिध्य भी रहेगा और आप सभी के सानिध्य में भव्य रथ यात्रा शोभा यात्रा निकलेगी जो मंदिर से तेलुगु वाड़ी पहुंचेगी और तेलुगु वाड़ी में पंडाल उद्घाटन भव्य चंडारोहण और उसके बाद विधान की सभी क्रियाएं 11 से 15 तारीख तक चलेगी। सवेरे का प्रतिदिन का स्वामी वात्सल्य हमारे जो शुद्ध खाना खाते हैं उन व्रतियों के लिए भी और सामान्य अपने के लिए सभी का भोजन व्यवस्था भी वहां की गई है और बाहर से भी कोई पधारे उनके लिए आवास व्यवस्था की सुविधा की गई है। तो आपसे मेरा निवेदन है और 15 तारीख को समापन है और पूर्णावती है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपका अपना सकल दिगंबर जैन समाज मुंबई का कार्यक्रम है, आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में हमेशा पधारे और आपका सानिध्य ही हमारे कार्यक्रम की शोभा है। इसलिए मेरा फिर आप सभी से निवेदन है श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट कमाटीपुरा से भी आपका आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए।
और मैं भी और विशेष निवेदन के लिए हमारे जो पंडित जी जिनके सानिध्य में दिलीप जी अनुराग के सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, आचार्य श्री का आशीर्वाद और इनका निर्देशन रहेगा जिसमें ये महोत्सव होगा, मैं श्री दिनेश जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ तो वो भी अपने अमृत वाणी से दो शब्दों से आमंत्रण स्वरूप समाज को संबोधित करें। बस मैं भूमि पर खड़ा हुआ, 10 से 15 साल पहले इन्होंने जमीन ले रखी थी, बहुत सारे साधु गए भूमि पूजन किया लेकिन काम प्रारंभ नहीं हो पाया। मैंने कहा कि हमारे पैर में भगवान ने गजरेखा बना के भेजी है और पता नहीं क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और जैसे मैं उस भूमि पर खड़ा हुआ और कुछ भी नहीं बोला, या भिंड वालों से बैठे यहाँ पर एक भी शब्द नहीं बोला, बिना बोले मैं वहां से आ गया, भाई दर वेस्ट में चला गया। इनको पता नहीं क्या हुआ, आके इन्होंने निवेदन किया क्या आपके चरण पादुका हमारे भूमि पर पड़े और एक बड़ा विधान हो जाए। बड़ा विधान होते ही इनके अंदर मंदिर बनाने की भावना पैदा हो गई और 16 तारीख को वहां की भूमि का भूमि पूजन है। 16 दिसंबर को वहां पर पहला मंदिर होगा जो पंचवाल्यती के नाम से प्रसिद्ध होगा और सहस्त्रपुर जिला में 1008 मूर्तियां वहां पर रहेंगी। और उसके तुरंत बाद अभी हमारे बीच में बैठे दिलीप भाई वहां के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ हैं, तो 19 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कर्णक है, तो जन्म कर्णक का कार्यक्रम भी मीरा रोड है और भाईंदर के बीच में भी दोनों के बीच में। इसके बाद जैसा जैसा आगे रहेगा वो आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आलोक भाई हैं यहाँ पर, मामा जी हैं, आपको क्या बताऊं, जैसे मैं भाईंदर में गया भोरी बनी की याद तो आती रही लेकिन जब मैं भाईंदर में गया मुझे कुछ नयापन दिखाई दिया। वहां जाके ऐसा लगा जैसे श्वेतांबर का वामन जिनाने, वामन जिनाने को देख के लगा कि श्वेतांबर का बड़ा प्रभाव है, इतने सारे जिनाने हैं। लेकिन जैसे ही मैंने भाईंदर का पूरी परिक्रमा लगाई मैंने देखा भगवान की संख्या भले ही वहां श्वेतांबर की ज्यादा है लेकिन भक्तों की संख्या दिगंबर समाज की सबसे ज्यादा है। तो वहां की भक्ति समर्पण मीरा रोड में ज्यादा नहीं रख पाया लेकिन खुला वातावरण मीरा रोड का, आज मामा जी यहाँ पर हैं, पूरी टीम यहाँ पर है, कम समय में इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। तो मैं तो सिर्फ दहीसर में एक दिन के लिए जाना था मुझे, लेकिन पता नहीं हमारे दिलीप भाई यहाँ बैठे होंगे, दिलीप जी हैं, बसंत भाई, बहुत ये बहुत जादूगर लोग हैं, ये सब गुजराती लोग हैं, एक दिन के लिए लेके जाते हैं लेकिन पूरे, और इतना लाभ लिया इन्होंने। पहले दिन आए तो गुजराती लोग तो पहले फायदे का सोचते हैं, पहले दिन विधान कराए सिद्ध चक्र, दूसरे दिन शांति विधान और दूसरे दिन भक्तावर विधान करा कि हमारा आगे। ये इस तरीके से समाज आज अपने बीच में जुड़ी है यहाँ पर, तो धीरे धीरे आज क्या होने वाला है एक सस्पेंस है आपके बीच में, आगे की पूरी भूमिका यहाँ पर बनाई। आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, दहीसर वाले आदिनाथ भगवान की, भाईंदर वाले आदिनाथ भगवान की, मुंबई में जहां जहां विराजमान आदिनाथ भगवान की, गोरखपुर वाले आदिनाथ भगवान, भरतपुर भगवान की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। देखिए बड़ा दिन पावन अवसर आपके बीच में है और आज जिस तरीके से आप यहाँ भगवान बनता है, प्रतिष्ठा में जाते हैं तो पत्थर भगवान बनता है, लेकिन ये आज जो पीछी परिवर्तन है, इस पीछी परिवर्तन में जिसके हाथ तक पीछे आ जाती है वो चलता फिरता भगवान बन जाया करता है। वो आज करें चलते फिरते तीर्थ पाए हैं गुरुवर, आज मेरी कुटिया में आए हैं। आज जितना पावन दिन आज आपके बीच में, इस पावन दिन में लोग बहुत दूर सुदूर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ऐसे व्यस्ततम समय में, क्योंकि ये वैवाहिक कार्य का समय चल रहा है, कहीं ना कहीं सारे शादी विवाह आदि सब कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन एक तरफ शादियां चल रही हैं और एक तरफ संत का पीछे परिवर्तन महोत्सव चल रहा है।
दोनों के बीच में अब देखा जा रहा है कि संसार में भागने वाले कितने हैं और संयम के मार्ग पर भागने वाले कितने हैं। वो आज यहाँ पर पूरी आस्था और भक्ति के साथ आप यहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन इस कार्यक्रम समारोह को हम एक सस्पेंस आपके बीच में है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ चातुर्मास करने के लिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मुंबई का इतिहास बनाने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं इतिहास को दोहराने का काम नहीं करता हूँ, इतिहास को बनाने का काम करता हूँ। जैसे तरुण सागर जी महाराज जी कहते थे कि मैं भगवान महावीर स्वामी को चौराहे चौराहे पर देखना चाहता हूँ, मेरा भी यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा महावीर को चौराहे चौराहे पर देखना चाहता हूँ, मेरी भावना है कि मैं चलते फिरते शांति सागर को चौराहे चौराहे पर देखना चाहता हूँ। हमने महावीर को तो नहीं देखा, लेकिन हमने चलते फिरते महावीर रूप में शांति सागर जी को देखा है, आज की प्रत्येक कृति को देखा है, उनकी छवि को देखा है। अगर वो नहीं होते इस पंचम काल में पीछी धारी दिगंबर संत भी नहीं होते। तो आज उनकी विशेष कृपा दृष्टि आपके मुंबई वासी के ऊपर है। आज जब जब भी कोई पोस्टर छपता है, कोई फ्लेक्स छपता है, चाहे आचार्य श्री विद्यासागर का फ्लेक्स छपे, चाहे सुधा सागर जी का फ्लेक्स छपे, चाहे कुत्तु सागर जी का फ्लेक्स छपे, चाहे देवनंदी महाराज जी का फ्लेक्स छपे, चाहे अभी यहाँ चातुर्मास हुआ वसुनंदी का फ्लेक्स छपे, हर फ्लेक्स में सबसे पहले शांति सागर की प्रतिकृति का उल्लेख होता है। उनके बिना कोई काम जैन समाज का शुभारंभ नहीं होता है। तो अपना सौभाग्य है कि आज हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जिस जगह पर साक्षात शांति सागर महाराज विराजमान है। ऐसी पावन स्थली, पावन चमत्कारी भूमि पर बैठ कर आज आगे की पूरी भूमि का पूजन हो चुकी है, लेकिन अभी पाद प्रक्षालन बाकी रह गया है। समाज की इच्छा थी, अभी बता रहे थे कि महाराज जी पहले आपका पाद प्रक्षालन हो जाए, एक बार कैसे आपको करना है आप भूमिका बना दीजिए। भूमिका बना करके पाद प्रक्षालन के बाद आप जो शास्त्र भेंट करें, इसके बाद पीछे प्रवर्तन से क्या फायदा होगा। और मैं अपनी साधना की पीछे तो एक साथ तक मैंने हर समय साधना के समय अपने साथ रखी, मौत साधना में अपने साथ रखी, जगह जगह अपने साथ रखी। जब जब मैं कोई मेरे साथ रहा हो या ना रहा हो, लेकिन मेरी पीछे मेरा हमेशा मेरे साथ रही। आज मैं इस पीछे को विदा देने जा रहा हूँ, इसकी विदाई समारोह है। पीछे की विदाई है, साधु की विदाई जब भी नहीं है, पीछे की विदाई के साथ आज हम यहाँ पर जुड़े हैं। क्योंकि साधु तो विदा कभी नहीं होता है, साधु तो सिर्फ यहाँ से स्थान परिवर्तन करता है, लौट करके फिर आता है। बेटी की विदाई होती है, लौट करके फिर अपने घर आती है, लेकिन यहाँ तो पीछे की विदाई हो रही है। एक पीछे किसी के घर जाएगी और दूसरी पीछे हमारे हाथों में आएगी, तो दृश्य वो खड़ी आज आपके बीच में है। आइए पंडित जी। Bye.